बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज डिज़ाइन। आज इस वीडियो में मैं आपसे नेक के स्लीव्स के दुपट्टे और ट्राउज़र के डिज़ाइन शेयर करूंगी कि किस तरह से आप डिज़ाइनिंग को यूज़ करते हुए अपने ड्रेस को जो है खूबसूरत बना सकते हैं, कैजुअल ड्रेस को किस तरह से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इन्हीं ड्रेसेस के डिज़ाइन को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ वो कुछ इस तरह से डाई में है। इसका हाफ हिस्सा जो है वो येलो कलर में है और हाफ जो है वो ब्लू कलर में है। इस तरह से चिकन में ये जो है ड्रेस है, इसके ऊपर जो है इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है नीचे दामन पे। उसके अलावा जो है मैंने इसके ऊपर नेक की डिज़ाइनिंग की हुई है। तो इसके सबसे पहले मैं आपको नेक की डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। नेक की डिज़ाइनिंग जो है वो कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। इसको मैंने यहाँ से राउंड शेप में रखा है, फुल यहाँ से यहाँ तक जो मैंने फासला रखा है वो 13 इंच रखा है, और यहाँ से यहाँ तक जो मैंने फासला रखा है वो तकरीबन जो है मैंने 10 इंच रखा है। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है इस तरह से लूप्स सारे अटैच किए हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी इस तरह से फुल राउंड शेप में। मैंने पाइपिंग करते हुए अरे मगजी का यूज़ करते हुए पहले मैंने इस तरह से पाइपिंग की, उसके बाद इसके अंदर जो है मैंने इस तरह से जो है डोरी लूप्स जो है इसमें अटैच कर दी। उसके बाद जो है दरमियान में मैंने इस तरह से पोटली बटन अटैच किए हैं। इस तरह से दोनों साइड पे पाइपिंग करते हुए मैंने इसके अंदर इस तरह से पोटली बटन जो है वो अटैच कर दिए हैं। तो ऊपर से जो है मैंने नेक जो है बिल्कुल सिंपल रखा है राउंड शेप में, और बाकी जो है नेक की डिज़ाइनिंग मैंने इस तरह से सेट कर दी है। तो इसका दामन जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। इसका दामन इस तरह से नीचे मैंने जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है इसी तरह से मैंने हल्का जो है कटवर्क कर दिया। उसके बाद जो है मैंने इसके चौक के अंदर जो है इस तरह से डोरी पाइपिंग कर दी है ब्लू कलर में। तो इसके स्लीव्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से प्रिंटेड स्लीव्स हैं। इसके ऊपर जो है मैंने इस तरह से फ्रंट साइड पे बिल्कुल सिंपल था इस तरह से येलो कलर में फैब्रिक बिल्कुल सिंपल था। इसके ऊपर मैंने इस तरह से बारीक बारीक जो है पिनटेक्स डाल दिए हैं सारे, और अंदर की तरफ इसी तरह से मैंने ब्लू कलर का जो है फैब्रिक अटैच कर दिया। जस्ट अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, अंदर की तरफ जो है मैंने अटैच कर दिया। तो इसकी बैक साइड जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सिंपल है। बैक साइड पे जो है मैंने इस तरह से एक एक इंच के फासले पर जो है पिनटेक्स डाल दिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से जो है इसके ऊपर मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं दरमियान में। उसके बाद जो है इसके दामन नीचे से जो है वो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट अंदर की तरफ जो है मैंने टोरी पाइपिंग इस तरह से यूज़ की हुई है। तो इसका ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से ब्लू कलर में। इसके नीचे मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट पट्टियाँ इसके अंदर इस तरह से अटैच की हैं, उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर इस तरह से जिगजैग डिज़ाइनिंग जो है वो अटैच कर दी, और नीचे मैंने इस तरह से राउंड शेप में कटवर्क किया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सी मैंने इसके ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग की हुई है। तो दुपट्टा जो है वो कुछ इसका इस तरह से है। इसके अंदर जो है तकरीबन सारे ही कलर्स हैं, तो मैंने इस तरह से 4 कलर्स यूज़ करते हुए मैंने इसके ऊपर जो है इस तरह से ट्राइंगल अटैच किए हैं। तो 4 कलर्स जो है वो मैंने फैब्रिक लिया था, उसको मैंने इस तरह से ट्राइंगल की शेप देते हुए सारे दुपट्टे के जो है अंदर अटैच किया है 4 साइडेड पे। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर इसी तरह से ब्लू कलर में पाइपिंग कर दी है। तो 4 साइडेड पे ही मैंने इस तरह से ट्राइंगल अटैच किए हैं। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो कुछ इस तरह से है। तो इसके अंदर जो है सारा प्रिंट बना हुआ है। इसके जो नेक के ऊपर मैंने इस तरह से इसका पैच दिया हुआ था वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से अटैच किया हुआ है। तो इसका सिंपल सा मैंने नेक रखा है राउंड शेप में। इसकी फ्रंट जो नेक वाला हिस्सा है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, जस्ट मैंने इसके ऊपर इसी तरह से जो हमारा साथ पैच दिया हुआ था वो मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया। हाँ, जो है दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाल दी हैं, 4 ही मैंने इस तरह से इस साइड पे और 4 इस तरफ मैंने जो है पिनटेक्स डाली है। तो दरमियान वाला इसका जो मैंने फासला रखा है वो कम से कम भी मैंने जो है 10 इंच रखा है। 10 इंच फासला रखते हुए जो है मैंने दोनों साइडों पर जो है पिनटेक्स डाले। तो यहाँ जो है तीरे से लेके नीचे जो है दामन तक मैंने इस तरह से पिनटेक्स डाले हैं दोनों तरफ बारीक बारीक। तो इसकी जो स्लीव्स है कि मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। स्लीव्स जो है वो इसकी कुछ इस तरह से है। इसका कंधा जो है वो मैंने इस तरह से कुर्ता जो स्टाइल में जो है चकोर मैंने इसका कंधा रखा है इस तरह से। उसके बाद जो है मैंने स्लीव्स की ऊपर जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है, फ्लावर फैब्रिक के अटैच करते हुए फ्रंट साइड पर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। अच्छा, इसकी स्लीव्स की जो है फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने फैब्रिक जो है फ्लावर मैंने इसके ऊपर अटैच किए हैं और फ्रंट साइड की किस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। इसके अलावा जो है मैंने फैब्रिक के फ्लावर्स की जो है
अलग शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये फ्लावर जो है वो बनाए हैं। तो इसका दामन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुर्ता स्टाइल में जो है मैंने स्टिच की है, फुल जो है ऊपर से जो है फिटिंग में नहीं है, लूज फिटिंग में है। इसके कंधे चकोर हैं इस तरह से। इसके जो चाक है वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट रखे हैं इस तरह से, सिर्फ 10 इंच के जो है मैंने इस तरह से चाक रखे। जिस तरह से जो है मैंने स्लीव्स की फ्रंट साइड पर डिजाइनिंग की थी, सेम इसी तरह से मैंने दामन पे इस तरह से डिजाइनिंग की हुई है इसकी। तो फैब्रिक जो है मैंने इसके नीचे जो है ट्राउजर के साथ का यूज करते हुए जो है मैंने इसकी डिजाइनिंग कर दी है। आप जो है स्लीव्स की डिजाइनिंग में देख सकते हैं कि मैंने इसके फ्रंट साइड की किस तरह से डिजाइनिंग की हुई है। अंदर जो है चाक वाले साइड पे मैंने इस तरह से जो इसमें कलर है उस तरह से मैंने सिल्क लेके जो है इसके चौक पे मैंने पाइपिंग कर दी है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रही, जस्ट अंदर की तरफ मैंने इसकी फोल्डिंग की है। अच्छा, इसके शॉर्ट चाक रख के मैंने जो है चौक के दोनों साइडों पे भी इसी तरह से एक एक दो दो जो है फ्लावर्स चौक वाले हिस्से पर इस तरह से अटैच किए हैं। दोनों दो दरमियान वाला जो है आधा इंच का फासला रखते हुए मैंने जो है चौक के ऊपर दो दो इस तरह से फ्लावर्स अटैच किए हुए हैं। इस तरह से जो है इसकी कुछ चौक की जो है लुक आएगी। इस साइड पे भी जो है मैंने इसी तरह से फ्लावर जो है अटैच की है चाक के ऊपर, और शॉर्ट चाक रखे हैं इस तरह से, दो फ्लावर जो है वो इस तरह से अटैच कर दिए हैं। इस तरह से जो है इसकी फुल लुक आ जाएगी शर्ट की फ्रंट साइड की। इसकी बैक साइड आपको दिखा देती हूँ, तो बैक साइड का भी जो है इस तरह से कंधे जो है वो चकोर है कुर्ता शेप में जो है मैंने इसको शर्ट को स्टिच किया। इसकी बैक साइड की जो है मैंने इस तरह से डिजाइनिंग की हुई है फुल बैक साइड के नेक की, इस तरह से मैंने फुल डिजाइनिंग की है। इस तरह से बटरफ्लाई बना के मैंने इसके ऊपर एक एक पल्स लगा दिया है। इस तरह से जो है बॉक्स प्लेट इसके नजर आएंगे, चुन्नट्स जो है वो इस तरह से नजर आएंगे दरमियान में। और इसके जो है बैक साइड की डिजाइनिंग भी जो है मैंने डिजाइनिंग की फुल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बैक साइड की ये सारी डिजाइनिंग की है नेक की। इसके अलावा जो है मैंने ये जो मैंने बटरफ्लाई बनाए हैं इसकी भी शॉर्ट वीडियो जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं किस तरह से मैंने बटरफ्लाई जो है बना के इसके ऊपर पल्स लगाया है। तो फुल जो है मैंने इसको नेक को इस तरह से सेट किया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी लेंथ जो है 15 रखी थी, तो 14 जो है वो इसकी रेडी हो जाएगी। इस तरह से मैंने दरमियान में से बैक जो है नेक जो है मैंने कटिंग कर दी है। कुछ इस तरह से जो है इसके बॉक्स प्लेट नज़र आएंगे। अच्छा, इसके बैक साइड का जो दामन है उसके अंदर मैंने सिर्फ इसी तरह से सिल्क की जो है पाइपिंग अंदर की तरफ फोल्डिंग कर दी है। चौक के अंदर भी मैंने इसी तरह से पाइपिंग कर दी है, और दामन के अंदर भी मैंने इसी तरह से पाइपिंग कर दी है। इसी तरह से चौक के अंदर मैंने इस तरह से दो दो फ्लावर जो है ऊपर रख के अटैच कर दिए हैं। तो इसका ट्राउज़र जो है वो इसी तरह से सेम कलर में है जैसे शर्ट है। तो इसका ट्राउज़र जो है वो इसी तरह से सेम कलर में है जैसे शर्ट है। तो इसकी जो है नीचे मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। इसकी भी जो है डिज़ाइनिंग की फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है किस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो आप जो है ऊपर आई बटन पे जो है क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग की हुई है। तो इसकी जो है प्रिंटेक्स के साथ मैंने इस तरह से सिंपल सी डिज़ाइनिंग की है। दुपट्टा जो है वो कुछ इसका इस तरह से है, इसी तरह से जैसे शर्ट में जो है प्रिंट बना हुआ था सेम इसी तरह से दुपट्टे में सारे जो है प्रिंट बना हुआ है। तो इसके जो है मैंने पल्लू वाली साइड पे दोनों पे इसी तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। तो दुपट्टे के दोनों पल्लू वाली साइड पे मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। जैसे मैंने ट्राउज़र के नीचे जो है स्ट्रेट फैब्रिक की जो है इस तरह से पट्टी फोल्ड करके लगाई है, इसी तरह से मैंने दुपट्टे के भी जो है पल्लू वाली साइड पे इसी तरह से मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है। तो ये तकरीबन मैंने 1 इंच जो है इसकी इस तरह से लेंथ रखी है फोल्डिंग में। तो टोटल लेंथ जो है मैंने इसकी 2.5 इंच रखी थी। तो यहाँ जो है हमारी 2 इंच जो है रेडी हो जाएगी, और बाकी जो है आधा इंच जो है अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इसके अंदर भी मैंने इसी तरह से सिल्क की जो है पाइपिंग कर दी है। इसकी जो मैंने जो है विड्थ रखी है वो मैंने इस तरह से 1.5 इंच रखी है। तो दोनों जो है पल्लू वाली साइड पे मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दिया, और जो हमारे जो है माथा पट्टी वाली साइड है वहाँ मैंने सिंपल इसकी जो है सिल्क की जो है अंदर की तरफ फोल्डिंग कर दी है।
तो इसकी भी मैंने जो विड्थ रखी है वो 1.5 इंच रखी है। इस तरह से सिंपल सी मैंने इसके दुपट्टे पे डिज़ाइन की। मेरी वीडियो जो है वो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।